हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आप जो ये आपका ये इंस्टाग्राम पर प्रॉब्लम आ रहा है कि यू आर एबल टू मोनेटाइज, ये तो मैंने सॉल्व कर दिया है और यहाँ पर दिखाई दे देता है कि यू आर नॉट एबल टू मोनेटाइज। अगर जहाँ आप इस आईडी से, इसका मतलब यही होता है कि यू आर एबल टू मोनेटाइज, जो आपकी आईडी बनाई गई है उस आईडी से आप पैसे कमा सकते हैं और यू आर नॉट एबल टू मोनेटाइज इस वजह से होता है कि आपका जो आईडी है इस आईडी से आप पैसे नहीं कमा सकते। लाइव प्रूफ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। अगर जहाँ आपके आया है यू आर नॉट एबल टू मोनेटाइज आया है, तो मैं आपको सामने लाइव दिखाता हूँ कि आपको ये कैसे ठीक कर लेना है। वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन सकती है, लेकिन ये समझ लेना कि आपकी ज़िंदगी में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा। करना क्या होगा, यहाँ पर मेरा दो अकाउंट है, यहाँ पर देख सकते हो कि मैंने अपना ठीक कर लिया यू आर एबल टू मोनेटाइज। ये करना क्या होता है, मेरा दो अकाउंट है, ठीक। अब मैं दोनों अकाउंट में आपको चेक करके दिखा देता हूँ। पहला अकाउंट मैंने दिखा दिया 9964 जो है हरी 9964 शंकर, और दूसरा अकाउंट अगर जाए इस अकाउंट पर डबल टाइप करूंगा तो अकाउंट ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है, ठीक। अब यहाँ पर फिर से मैं थ्री लाइन पर टाइप किया, सबसे नीचे आ जाता हूँ। नीचे आने के बाद यहाँ पर अकाउंट स्टेटस पर टाइप किया और यहाँ पर मोनेटाइज पर टाइप किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं यू आर एबल टू मोनेटाइज। यहाँ पर ब्रांडेड कंटेंट का जो आपका प्रॉब्लम होता है कि यू आर नॉट एबल टू मोनेटाइज, कि आप इस आईडी से पैसे नहीं कमा सकते, मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ अब कि आप ब्रांडेड कंटेंट को कैसे 1 मिनट में रिमूव कर सकते हो, ठीक। अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट फर्स्ट वेबसाइट पर आ गया। फर्स्ट वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर पहले समझ लीजिए कि आपको ये आता क्यों है और कैसे करना होता है। मैं थ्री लाइन पर टाइप किया, आपके सामने आईडी बनाता हूँ, आपके सामने ही नया आईडी बनाकर उसे ठीक करता हूँ, ठीक। यहाँ से सबसे पहले मैं गया, यहाँ पर गया क्रिएटर टूल्स एंड कंट्रोल पर, इस पर टाइप किया और यहाँ से जो ऑप्शन आपको दिख रहा है ये वाला ऐड न्यू प्रोफेशनल अकाउंट, यहाँ से डायरेक्ट ही आप प्रोफेशनल अकाउंट बना सकते हैं, आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है प्रोफेशनल अकाउंट में। यहाँ से मैं डायरेक्ट बना देता हूँ, बनाने के बाद आपको सामने लाइव करके दिखाऊंगा कि ये कैसे ठीक होता है, ठीक। यहाँ से ऐड ए न्यू अकाउंट पर टाइप किया और यहाँ पर कंटिन्यू करते चला जाना है। अब यहाँ पर मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे मेरा एजुकेशन है, ठीक। क्रिएटर वीडियो क्रिएटर अपलोड कर देता हूँ, डन कर देता हूँ। डन करने के बाद यहाँ से मोबाइल नंबर ऐड कर दिया, यहाँ से नेक्स्ट कर दिया यहाँ पर, ठीक। मैं एक बार फिर से मोबाइल नंबर ऐड कर देता हूँ, यह नेक्स्ट कर देता हूँ। अब नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए फुल नाम मांग रहा है कि किस नाम से आप बनाना चाहते हैं और इस नाम का पासवर्ड भी मांग रहा है, ठीक। यहाँ पर देखना, मैं अपना बना देता हूँ, ऐसे बना दिया। अब इसका पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक। मैं पासवर्ड किसका देता हूँ, पासवर्ड मैं दे देता हूँ अपने इस वाले पर, ठीक। यहाँ पर कंटिन्यू एंड साइनिंग कर देता हूँ। अब यहाँ पर आ रहा है कि आप, यहाँ से मैं ईमेल सेलेक्ट कर देता हूँ, आपके सामने ठीक करके दिखाऊंगा, देखना 1 मिनट नहीं लगेगा ठीक करने में, लेकिन अगर जहाँ आप जब जान जाते हैं तो ना, देखिए ये हो गया, नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक। यूज़र नेम मांग रहा है, यूज़र नेम की आप किस नाम से बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पर हरी ठीक, ये अवेलेबल नहीं है, तो ये मैं यहाँ से मैं थोड़ा सा ये भी अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ से मैं एक कैपिटल डाल देता हूँ, ठीक। ये देखिए अवेलेबल हो गया, ठीक। अब यहाँ पर मुझे करना क्या हो गया, नेक्स्ट पर कर दिया। नेक्स्ट पर करने के बाद यहाँ से आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा कि ब्रांडेड कंटेंट को आप लाइव कैसे ठीक कर सकते हो, ठीक। अगर जहाँ आप समझ लिए कि आपके आईडी पर कभी भी नहीं आएगा, ये इतना गारंटी लेता हूँ कि आपके आईडी पर कभी भी ये ब्रांडेड कंटेंट का ऑप्शन कभी नहीं आएगा, तो यहाँ से पहले एक बार रजिस्टर हो रहा है, पहले ये ईमेल मैंने इस आईडी पर नया बनाया। यहाँ पर देखिए नेटवर्क फेल हो गया, ठीक। यहाँ पर नेटवर्क भी मेरा इशू चल रहा है, मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है नेटवर्क के बारे में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करने के बाद मैं आपके सामने लाइव करके दिखाऊंगा कि आपको ये इसे कैसे ठीक कर सकते हो, ठीक। यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड हो गया, ये देखिए मैं स्किप कर देता हूँ अभी एक रिमेंबर पासवर्ड, जैसे पासवर्ड याद करना है तो मैं इसे स्किप कर देता हूँ, ठीक। यहाँ से क्रिएटर पर आ गया, यहाँ से ओके कर दिया, कंटिन्यू कर दिया। अब जो इसका 6 स्टेप होता है आप इसे कंट्रोल कर लेना, नहीं मैं इसे नहीं करना है, मुझे
किसी ऐड के मुझे या इंस्टाग्राम से या फिर फेसबुक से ऐड नहीं करना, इसलिए मैं एक टिप कर दिया। यहाँ से मैं देखिए मैं बैक आ जाता हूँ, ठीक। अब यहाँ से बैक आने के बाद मैं डायरेक्ट बैक आ जाता हूँ। बैक आने के बाद आपके सामने फिर से मैं दिखाता हूँ कि कितना अच्छा से ये कंप्लीट होता है, ठीक। यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन मेरा आ गया है, यहाँ पर देखिए गए, यहाँ पर यही आपके सामने भी बनाया था, हरी 12 23 यच इस नाम से। अब मैं आपको अगर यहाँ इसको दिखाऊँ, देखिए ऐड योर बायो, यहाँ पर मतलब सारा प्रोफेशनल ऐड, वो यहाँ पर देखिए जो मैंने ऐड किया था, यहाँ पर डायरेक्ट ऐड योर प्रोफेशनल अकाउंट, यहाँ से डायरेक्ट ऐड हो जाता है। देखिए प्रोफेशनल अकाउंट में डायरेक्ट ये आपका बन गया है। यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक किया, 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ से देखिए वो अकाउंट का जो मतलब मांगता है 6 स्टेप कंप्लीट करना, वो आ रहा है, ठीक। अकाउंट स्टेटस पर गया, अब जैसे ही अकाउंट स्टेटस पर जाता हूँ तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है मोनेटाइजेशन, यही होता है कि कंटेंट ब्रांडेड का, देख लीजिए आपके सामने आ गया है ब्रांडेड कंटेंट का जो ऑप्शन है, इस पर मैंने टाइप किया पार्टनर मोनेटाइजेशन, यहाँ पर टाइप किया। अब यहाँ पर देख लीजिए यही वो ऑप्शन है जो जो आप सबने जो आप सब परेशान होते हैं कि इस्टेब्लिश प्रेजेंस आ गया है मेरे पर, और यहाँ पर प्रेजेंस पर आने के बाद यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है ब्रांडेड कंटेंट। अब ये ठीक क्यों होता है, पहले ये समझ लीजिए कि आता क्यों। आप जब भी कभी नई आईडी बनाते हैं तो ये आपको प्रॉब्लम आपको शो करता है कि ब्रांडेड कंटेंट का, यानी कि आप जो इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है इस्टेब्लिश प्रेजेंट, इस्टेब्लिश प्रेजेंस का मतलब होता है कि इस्टेब्लिश मतलब प्रेजेंस प्रमाणित उपस्थिति, ठीक, इसका मतलब ये होता है। तो जैसे ही आप कोई नई आईडी बनाते हैं तो उस आईडी को आपको प्रमाणित करना पड़ता है, खुद से आपको उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है कि आपको इस कंटेंट को, यानी कि जैसे आपको कोई आईडी बना लिया है, जब आपने कोई आईडी बनाने के बाद आपको उसमें अपना प्रमाणित उपस्थिति दर्ज करनी पड़ती है कि ये अकाउंट आपका है, ये आईडी आपकी है, कोई दूसरा आपके नाम पर कोई यूज तो नहीं कर रहा है। तो उसे आपको करना क्या होता, अपना फोटो रियल, अपना रियल फोटो, अपना वीडियो, अपना जो भी मतलब अपने वीडियो अपने मोबाइल से वीडियो आप बनाते हैं उसको आपको रियल अपलोड करना होता है, और ये हट जाता है। लेकिन आपको हटेगा कब, जब ये 24 घंटे ले लेता है, कभी कभी 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने ले लेता है एक हटने में। लेकिन अगर जहाँ आपने ये जो प्रोसेस आया है यू आर करंटली अनएवेलेबल टू मोनेटाइज, यहाँ से आप अभी अपने इस वाले आईडी से जो मैंने अभी नई आईडी बनाया है, मैं इस आईडी से पैसे नहीं कमा सकता, क्योंकि अभी मुझे यहाँ पे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ेगी। कैसे दर्ज करानी पड़ेगी, क्योंकि ये मैंने अब इंस्टाग्राम को इसे प्रूफ करना पड़ेगा कि ये आईडी मेरी है या फिर किसी और की है, आपके नाम पर कोई और तो आईडी बना करके यूज नहीं कर रहा है, इसलिए इसे प्रमाणित उपस्थिति मांगता है। जो इस्टेब्लिश प्रेजेंस जो ब्रांडेड कंटेंट आप यहाँ पर देख रहे हैं उसका आपको उपस्थिति आपकी उपस्थिति दर्ज करानी पड़ती है, कि यहाँ पर इस्टेब्लिश प्रेजेंस देना होता है कि अपना वीडियो आप रियल वीडियो अपलोड कीजिए, अपना फोटो अपलोड कीजिए, अपने मोबाइल से बनाई हुई हर एक वीडियो को अपलोड कीजिए, तब इंस्टाग्राम आपको ये जजमेंट करेगा कि हाँ भाई ये आईडी आपकी है और मुझे इसे ठीक करना चाहिए। जो ये यहाँ पर इस्टेब्लिश प्रेजेंस आपको दिखाई दे रहा है ये ऑटोमेटिक ठीक, यू आर करंटली अनएवेलेबल टू मोनेटाइज दिखा रहा है, ये भी ठीक हो जाए। और ब्रांडेड कंटेंट का जो ऑप्शन आ रहा है इसी वजह से आता है कि जब भी आप कोई नई आईडी बनाते हैं उसकी वजह से ये ब्रांडेड कंटेंट आता है कि अभी आप इस आईडी से पैसे नहीं कमा सकते, जब ये आपकी आईडी है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आपकी यही आईडी है, और मैं अपना फोटो अपलोड कर दिया, मैंने अपने वीडियो अपलोड कर दिया, तब ये ठीक हो जाता है। लेकिन सबसे पहले आपको जब नई आईडी बनाते हो तभी ये प्रॉब्लम आता है, और जब ये ठीक हो जाता किसी वजह से आता नहीं कि आपने कॉपीराइट ले लिया या किसी का वीडियो पोस्ट कर दिया अपने आईडी पर, तभी आता है, ये कभी नहीं आता है। ये सिर्फ आप जब अपनी नई आईडी बनाते हो उसके बाद ही ये प्रॉब्लम आता है कि आपको प्रमाणित करना होता है कि ये आईडी आपकी है, कोई और आपके आईडी को या फिर आपके नाम के आईडी बना लिया है, उसे कोई यूज नहीं कर रहा है। तो कोशिश करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्प रहा होगा, और सब कुछ समझाने का कोशिश किया हूँ। और अगर जहाँ ये वीडियो आपके लिए अच्छा रहा होगा, ये आपका प्रॉब्लम दूर हो सकता है, तो इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दें।